मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैक फॉस के बारे में। मैक फॉस को एज ए पेन किलर के रूप में, जैसे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होना और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होना, यानी दर्द होने की कंडीशंस में मैक फॉस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आज हम मैक फॉस के यूज़ के बारे में आपको बताएंगे कि आप इसको कब और कैसे यूज़ कर सकते हैं या इसके कौन से प्रॉपर सिम्टम्स आपको मैच करते हैं। तो हम आगे बढ़ें उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, आपको इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब ऑप्शन मिलेगा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम आप तक होम्योपैथ से रिलेटेड वीडियो पहुंचाते रहें। फ्रेंड्स, जनरली अगर हम शुरू करते हैं मैक फॉस को जानने के लिए, तो पहला कंडीशन सही होता है कि ये केमिकल्स ग्रुप से आता है मैक फॉस, और आप इसको खास करके पेट दर्द, चाहे वो राइट साइडेड पेट यानी पेट का राइट साइडेड भाग में अगर पेन होता है, दर्द आता है और फिर दर्द चला जाता है। इसके अलावा सर दर्द हो, सर दर्द में भी सर दर्द होता है और फिर आराम मिल जाता है, या आँखों में बहुत ज़्यादा जल्दी दर्द आता है और फिर चला जाता है। ये दो कंडीशंस आपको बेलाडोना में भी मिलेगा और मैक फॉस में भी मिलेगा। चाहे वो पेट में दर्द हो या सर में दर्द हो, अगर दर्द आता है फिर चला जाता है, तो इस तरह के दर्द के, इस तरह के नेचर के पेन को आप कंट्रोल नहीं बल्कि क्योर कर सकते हैं मैक फॉस की सहायता से। आप उस कंडीशंस में मैक फॉस 6x लेंगे, पांच पांच गोली दिन में 3 बार लीजिए और धीरे धीरे गर्म पानी में डालकर, यानी आधा कप गर्म पानी में आप 5 गोली दिन में 3 बार डाल कर लें, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसके पेन के नेचर के बारे में, तो जनरली ये पेन स्टिबिंग पेन होता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ चुभ रहा है, और दूसरा इसका नेचर होता है कि दर्द शार्प पेन होता है और अचानक से आता है और अचानक से चला जाता है। इस तरह के दर्द चाहे शरीर में कहीं भी हो, आप मैक फॉस को यूज़ कर सकते हैं। 6x पोटेंसी में लेंगे या 30 पोटेंसी में ले सकते हैं आप इसको। 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 1-1 घंटे से ले, अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको धीरे धीरे दर्द काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को क्रैम्पिंग पेन होता है पेट में, जैसे कि कोलोसिंथ की तरह। अगर कोलोसिंथ से दर्द आराम न मिले या मैक फॉस से दर्द आराम नहीं मिलता है, तो आपको कोलोसिंथ और बेलाडोना की जगह मैक फॉस लीजिए, 100% राहत मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, तो जनरली मैक फॉस का जो पेशेंट होता है, जो जब दिन में काम करके आने के बाद जब आपके पैर में दर्द हो, थकावट की वजह से पूरा पैर फटने लगता है, ऐसे कंडीशंस में भी आप मैक फॉस को यूज़ कर सकते हैं। मैक फॉस को 6x टैबलेट में ही, यानी 6x पोटेंसी में 4-4 टैबलेट दिन में 2-3 बार लीजिए। रात में पैर दर्द होना, पैर में ऐंठन होना, पूरे शरीर में दर्द होना, ये काफ़ी हद तक आपको राहत मिल जाएगी। तीसरी कंडीशंस होता है कि अक्सर लोग ठंडे के पानियों में खड़े हो जाते हैं, यानी बहुत सारे हमारे ऐसे फिशरमैन हैं जो मछली मारने के लिए मछली यानी पानी में बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, या अक्सर गर्मियों में देखा गया है कि आइसक्रीम बनाने वाले लोग बर्फ़ के जगह में खड़े रहते हैं। ये दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। बर्फ़ वाले जगह में जो लोग काम करते हैं उनको नेट्रम सल्फ काम करती है, और जो खुले हुए पानी में यानी ओपन एयर, यानी जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, बहते पानी में जो खड़े रह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो प्रॉब्लम शुरू होती है उसके लिए मैक फॉस बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप तालाब में या नदी में खड़े होने के वजह से, चाहे साइटिका का दर्द हो या न्यूरोटिक पेन हो या सर दर्द हो या पेट में कोई दर्द होना शुरू हो जाए, तो वैसे कंडीशंस के लिए आप मैक फॉस 6x 4-4 टैबलेट दिन में 2-3 बार लीजिए, धीरे धीरे आपको राहत मिलना शुरू हो जाता है। आगे आप मैक फॉस को जब बच्चे का दांत निकलता है और उस समय जब घबराहट होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाता है, तो वैसे कंडीशंस में भी आप मैक फॉस को 1 चम्मच गर्म दूध में 4 टैबलेट डाल के दिन में 2-3 बार देने से उसको काफ़ी हद तक राहत मिल जाता है, और अगर फीवर की नौबत आती है तो फीवर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैक फॉस के सर दर्द में। अक्सर आपने देखा होगा कि सर दर्द पीछे की तरफ से होते हुए आगे की तरफ आता है, इस टाइप के सर दर्द में भी आप मैक फॉस का यूज कर सकते हैं। मैक फॉस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है वैसे कंडीशंस में। इसके अलावा अगर आप जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में या जो बच्चे कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या जो लोग कंप्यूटर क्लासेस बहुत ज़्यादा करते हैं, और उसके वजह से जो प्रॉब्लम्स होना शुरू होती हैं, आँखों में दर्द होना,
सर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होना, खिंचाव होना, उस खिंचाव को आप मैगफॉस की सहायता से काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे न्यूरोलॉजिक पेन में, यानी कि न्यूरोलॉजिक पेन में मैगफॉस बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो न्यूरोलॉजिक पेन में भी मैगफॉस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ऐसे बहुत सारी गर्ल्स होती हैं जिनको प्यूबर्टी एज में जब मासिक आने को रहता है तो उसके पहले बहुत ज़्यादा दर्द करता है, उस तरह के पेन को, यानी जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, इस तरह के पेन को आप मैगफॉस की सहायता से 6x टैबलेट में दिन में 3 से 4 बार दें मेंस के आने से पहले, 1-2 दिन पहले, तो आपको काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू होता है। इसके अलावा आप मैगफॉस को, अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है तो मैगफॉस आप दांतों के दर्द में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। इसको 6x, और ख़ास करके मैगफॉस का जो दांत दर्द होता है वो रात में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है दर्द होना, तो अगर रात में दांतों में दर्द शुरू हो तो मैगफॉस आप 6x लेंगे, 4-4 टैबलेट दिन में 3 बार आधा कप गर्म पानी में डालकर लें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आप कोलोनिक स्पाज्म जिसको बोलते हैं, जिसके लिए अक्सर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जैसे कि पेट में इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होता है कि पेट दबाने से उसको राहत मिलता है या गर्म पानी से सेकने से राहत मिलता है, ये दोनों कंडीशंस में अगर पेट में स्पाज्म हो तो आप मैगफॉस ले सकते हैं। मैगफॉस 6x आधा कप गर्म पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार लें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं ऐसे लोगों, औरतों को जिनको मासिक स्कैंटी आता है, यानी मासिक आता है, मासिक के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसके अलावा डार्क फ्लो होता है यानी कालापन आता है, स्ट्रिंजी होता है, और मासिक आने से भी पहले दर्द होता है और मासिक के बाद भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसे कंडीशंस में आपको मैगफॉस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। खास करके आपने लैकेसिस में भी ये सिम्टम्स मिलेगा कि उसमें जैसे ही मासिक शुरू होता है तो दर्द बहुत ज़्यादा होता है, और मासिक जब कंप्लीट हो जाता है तो दर्द धीरे धीरे कंप्लीट रूप से चला जाता है। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। मैगफॉस में सिर्फ मेंटल सिम्टम्स बहुत कम हैं, लेकिन लैकेसिस अगर जब आप यूज़ करेंगे तो उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लैकेसिस की वीडियो मैंने जो डाली है आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि आप लैकेसिस कब यूज़ करेंगे। और अगला अगर हम बात करते हैं मैगफॉस को यूज़ करने के लिए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कैथेटर लगाना पड़ता है, यानी पेशाब की नली में कैथेटर लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो पेशाब की नली में जब कैथेटर लगाते हैं और जब कैथेटर निकाल लेते हैं तो वैसे कैथेटर निकालने के बाद वो दर्द रह जाता है, कैथेटर निकालने के बाद जो दर्द रह जाता है वो दर्द नहीं जाता है, न्यूरोलॉजिक टाइप में पेन होता है, उस टाइप के पेन को भी आप मैगफॉस की सहायता से काफ़ी हद तक कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैगफॉस का मैंने बताया था कि ठंडे हवा में जाने से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, या ठंडा हवा या ठंडे पानी में रहने से बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है, दोनों कंडीशंस में, यानी ठंडा पानी बढ़ने से या बहुत जल्दी ठंड लग जाता है, बहुत जल्दी चलने के वजह से दर्द आ जाता है, तो ये दोनों कंडीशंस आपको मैगफॉस में भी मिलेगा और बेलाडोना में भी मिलेगा, लेकिन बेलाडोना में घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है, मैगफॉस में घबराहट बेचैनी थोड़ा कम होता है। इसके अलावा मैगफॉस का जो दर्द होता है उस दर्द को दबाने से थोड़ा सा राहत मिलता है। तो अगर ये सिम्टम्स आपको मिलता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, 6-6 टैबलेट या 4 टैबलेट, अगर बच्चे हैं तो 2 टैबलेट आप देंगे, 2 टैबलेट 1 चम्मच गर्म पानी में डालकर दें, निश्चित रूप से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें मैगफॉस को यूज़ करने के लिए, तो आप इसको चाहे एक पैर के दर्द हो या पैर के एड़ी में, यानी जो एंकल रीजन में जब सूजन हो जाता है उसके साथ साथ दर्द होने लगता है, या आप हाथों से, जैसे कोई राइटर है, टाइप राइटर है तो हाथ से दिन भर टाइपिंग करता है, उस टाइपिंग करने के वजह से जब हाथों में दर्द होता है तो अक्सर लोग सिमसी फुगा का यूज़ करते हैं, लेकिन जब सिमसी फुगा से वो पेन का या दर्द आराम नहीं मिले तो वैसे कंडीशंस में आप मैगफॉस को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत अच्छी रिजल्ट भी देती है। थोड़ा सा समय लगता है, यानी कि आपको 1-2 दिन 3 दिन लगता है, जैसे कि पियानो राइटर्स हैं, पियानो बार बार बजाते हैं और उसके वजह से उनके फिंगर्स में बहुत ज़्यादा दर्द आने लगता है, तो इस तरह के दर्द को आप मैगफॉस की सहायता से बिना किसी पेन किलर की सहायता लिए आप कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में हारमोनियम का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, तो हारमोनियम या ढोलक बजाने के बाद जो हाथों में दर्द आता है
उस दर्द को आप मैग फॉस की सहायता से कंप्लीट रूप से क्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है मैग फॉस के सिम्टम्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। हम आगे बढ़ें या इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। और इसके अलावा जो अगले वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मैग फॉस की जो सिम्टम्स होगी वो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक्स अ लॉट।